नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई न्यूज इंडिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी आज वाराणसी से नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में मेगा रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के बाद वो गंगा आरती में शामिल हुए और फिर लोगों को संबोधित किया। रोड शो में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा, उससे पीएम मोदी भी अभिभूत हो उठे। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। जनसैलाब के बीच मोदी का काफिला जहां जहां से गुजरा, उन पर फूलों की बरसात की गई। पीएम मोदी का काफिला लंका, 80 रोड, सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदौलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर जाकर रुका। करीब 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में प्रधानमंत्री ने रुक रुक कर लोगों का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी के लिए 101 स्वागत द्वार बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां से गुजरे, वहां फूलों की बरसात हुई और पूरे काफिले के दौरान ऐसा ही मंजर दिखा। इसके लिए करीब 25 क्विंटल फूलों का इंतजाम किया गया था। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। काफी बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों ने मोदी को शॉल भेंट करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने खुद इशारा कर शॉल मांगा और फिर उनकी तरफ फेंकी गई शॉल को ओढ़ लिया। रोड शो के बाद पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। घाट पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बता दें कि कुछ वक्त पहले अमित शाह ने ऐलान किया था कि मोदी का रोड शो और नामांकन ऐतिहासिक होना चाहिए, और हमें लगातार यही दिखा कि ये रोड शो बिल्कुल ऐतिहासिक था। पीएम नरेंद्र मोदी गंगा मां की आरती में हाथ जोड़कर नजर आए। लगातार हो रहे शंखनाद से माहौल और भी दिव्य और अद्भुत हो गया। उन्होंने काफी देर तक गंगा की आरती की। गंगा आरती और पूजा के बाद पीएम मोदी ने काशी की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि काशी में मिले प्यार से अभिभूत हूँ। वाराणसी ने मुझे नई नई चीजें सीखने में, मदद करने में बड़ी भूमिका निभाई है। 5 साल पहले जब मैंने काशी में कदम रखा था तो कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। मैया ने मुझे इतना दुलार दिया, भाइयों और बहनों से इतना प्यार मिला कि बनारस के फक्कड़पन में यह फकीर भी रम गया। बता दें कि पीएम मोदी आज डिंपल यादव के इलाके कन्नौज में भी रैली करेंगे। पीएम यहां बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक के समर्थन में जनसभा करेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में क्रूज से गंगा की सैर कर सकते हैं। पीएम क्रूज से घाट की छटा निहारेंगे। इस बार पीएम मोदी के प्रस्तावकों में डोमराज के बेटे और एक चौकीदार भी शामिल हैं। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक इस लिस्ट में संघ के एक पुराने कार्यकर्ता और एक महिला प्रिंसिपल भी शामिल है, जबकि पिछले साल के किसी प्रस्तावक को इस बार मौका नहीं मिल पाया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या मोदी का नामांकन भी उतना ही ऐतिहासिक होगा जितना उनका रोड शो था। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से। धन्यवाद।